नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी का मौसम शुरू हुआ नहीं कि आमतौर पर लोगों को ठंडी जगह की दरकार होती है। जितनी तेज गर्मी पड़ती है, लोग उतनी ही तेजी से ऐसी जगहों का प्लान बनाने लगते हैं जहां पहुंचकर वो ठंड का लुफ्त उठा सके। बिहार में भी हर साल ऐसे टूर पैकेज बनाने वालों की लंबी फेहरिस्त मिल जाएगी, जो कभी कश्मीर तो कभी कुल्लू मनाली जैसी ठंडी जगहों का टूर पैकेज बनाने लगते हैं। क्योंकि बिहार में गर्मी का ऐसा कहर होता है कि ठंडी जगह सोचना भी गवारा नहीं होता। लेकिन आज हम आपको बिहार के ही एक ऐसे जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप गर्मी के मौसम में जाकर ठंड का लुफ्त उठा सकते हैं, जहां आप आसानी से जा भी सकते हैं और खर्च के लिहाज से आपकी यह ट्रिप बेहद ही पॉकेट फ्रेंडली होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौसम गर्मी का हो तो आप किन जगहों पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए बिहार के अंदर ही जा सकते हैं। हालांकि आपको मेरी ये बात जरूर मजाक लगे, क्योंकि बिहार भर में गर्मी का मौसम है। ऐसे में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पर ठंड का लुफ्त लोग उठा सकते हैं? तो आज हम आपको बिहार के ऐसे ही छिपे हुए एक स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की खूबसूरती देखकर आपके मुंह से भी एक बार जरूर निकलेगा, वाह क्या ये सच में बिहार है। आज हम आपको बिहार में मनोरम झील के बारे में बताने वाले हैं, जहां करीब 150 मीटर ऊंचे पहाड़ियों से पानी गिरता हुआ नजर आता है। हालांकि इस पानी का स्रोत क्या है ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन यकीनन मौसम गर्मी का हो तो यहाँ लोग राहत के लिए जरूर आ सकते हैं। चलिए, बहुत हुआ सस्पेंस, अब आते हैं कि आखिर जिस जगह की चर्चा इतनी देर से हो रही है वो आखिर है कहाँ। तो हम आपको बता दें कि ये स्थान है बिहार का ककोलत। ये बिहार की राजधानी पटना से 133 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जलप्रपात बिहार के साथ साथ देश विदेश में भी मशहूर है, क्योंकि इस जगह की तुलना लोगों ने अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात से भी की है। इतना ही नहीं, ककोलत को बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है, साथ ही नियाग्रा ऑफ बिहार के नाम से भी इसे खास प्रसिद्धि मिली है। लोगों के बीच इस झील की लोकप्रियता आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि नवादा जिले में पहाड़ियों से घिरे इस जलप्रपात का लुफ्त उठाने गर्मी के मौसम में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। 150 मीटर ऊंचे पहाड़ों को चीरता हुआ पानी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। यह जलप्रपात लोगों के टूरिस्ट प्लेस में लोकप्रिय स्थानों में से एक है। ये तो आपको अब तक हमारी इस वीडियो में भी समझ आ ही गया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस ककोलत जलप्रपात की धार्मिक मान्यताएं भी हैं? जानकार बताते हैं कि त्रेता युग में एक राजा को ऋषि ने श्राप दिया था। श्राप के कारण राजा अजगर बन गया और वहां रहने लगा। कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडव अपना वनवास व्यतीत करते हुए यहां आए थे। उनके आशीर्वाद से ही इस श्राप युक्त राजा को यातना भरी जिंदगी से मुक्ति मिली। श्राप से मुक्ति मिलने के बाद ही राजा ने भविष्यवाणी की कि अब जो भी कोई इस झरने में स्नान करेगा वो कभी भी सर्प योनि में जन्म नहीं लेगा। ये भी एक कारण है कि बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग इस झरने में स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पहुँचते ही आपको ठंडी हवाओं का आभास भी होने लगता है, जिससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का पानी कितना ठंडा होगा। हालांकि ये जलप्रपात भले ही आज लोगों के टूरिस्ट सूची में से एक हो, लेकिन एक समय था यहाँ जाने से लोगों को डर भी लगता था, क्योंकि यह इलाका उग्रवाद प्रभावित था। लेकिन समय के साथ यहाँ की व्यवस्थाओं को बदला गया और सुरक्षा के लिहाज से इसे विकसित किया गया, जिसके बाद पर्यटक यहाँ आते हैं और यहीं बैठकर अपना भोजन भी बनाते हैं। यहाँ के पानी में भोजन ऐसा स्वादिष्ट बनता है कि पूछिए मत। हालांकि यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सभी पर्यटकों को जल्द ही यहाँ से यानी कि शाम ढलने से पहले निकलने की नसीहत दी जाती है। वर्तमान समय में कई चीजें हैं जिसका अभाव है, जैसे वहाँ महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम नहीं है, जिसके कारण महिलाओं को थोड़ी परेशानी जरूर होती है। जर्जर भवन में जाकर उन्हें चेंज करना पड़ता है। एक पुराना गेस्ट हाउस है, लेकिन वो खंडहर में तब्दील हो गया है। अफसोस की बात यही है कि जो बिहार सरकार बिहार में पर्यटन की आंधी लाने में लगी है, उनकी नजर से ककोलत अभी भी बाहर है, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी अब तक बहाल नहीं हुई है। ककोलत आज भी व्यवस्था का अभाव का मोहताज है। हालांकि सरकार ने काम किया है, लेकिन वो काम धरातल पर सफल नहीं हो पाई है, जिसके बाद ही अब सरकार से यही उम्मीद है कि इस जलप्रपात पर मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द जारी किया जाए। यहाँ पहुँचने के लिए पर्यटन वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं।
इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।